नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, दो पार्टियों के नेताओं के बीच में आपने तकरार सुना होगा, मामला फंसता देखा होगा और दोनों के बीच वाद विवाद की खबरें और तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन बिहार बीजेपी के दो नेता आपस में उलझ गए हैं और मार इतना ज्यादा फंस गया है कि अब यह मामला थाने तक पहुंच गया है। दरअसल अगर हम आपको विस्तार से जानकारी दें तो बिहार के दरभंगा से बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा ने अपनी ही पार्टी के विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे धीरेंद्र कुमार धीरज पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। दर्ज एफआईआर में उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर सोशल मीडिया पर झूठा आरोप लगाकर धीरेंद्र कुमार द्वारा उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है और इस मामले में जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि भी कर दी है। अब मामला क्या जुड़ा है, मामला कहां से जुड़ा हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं। और इसी बात को लेकर के मार फंसा हुआ है बीजेपी के दो विधायकों के बीच में, अपनी ही पार्टी के विधायक हैं और आपस में उलझ गए हैं किस बात को लेकर के। एक विधायक ने एफआईआर किया है, दूसरे विधायक अपने साथी विधायक के बेटे पर, और मामला सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर जुड़ा हुआ है। दरअसल मुरारी मोहन झा केवटी विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। उन्होंने अलीनगर के बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि खराब करने की बात कहकर बहादुरपुर थाने में आवेदन देते हुए कहा है कि धीरेंद्र कुमार धीरज सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक पोस्ट करके उनकी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। यह भी बताया कि धीरेंद्र कुमार जो हैं वो 18 मई को उनके खिलाफ अपने फेसबुक पेज पर अपमानजनक पोस्ट किए हैं और इसी पोस्ट की वजह से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, जिसकी वजह से वो अब थाने तक पहुंच गए हैं और मामला भी दर्ज करा दिया है। देखिए, विधायक ने दर्ज एफआईआर में बताया है कि धीरेंद्र कुमार ने फेसबुक पेज पर अपने पोस्ट के माध्यम से मोहम्मद इकबाल अंसारी की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि इस महापुरुष को आप पहचानते होंगे, ये केवटी पंचायत के पंचायत समिति के पति मोहम्मद इकबाल अंसारी हैं, जो केवटी विधानसभा के विधायक मुरारी मोहन झा के आशीर्वाद से शराब का अवैध धंधा करते हैं, लेकिन केवटी पुलिस ने हिम्मत दिखाकर इन्हें गिरफ्तार किया है। विधायक अपना होटल चलाते हैं और अपने लोगों से अवैध शराब बेचवाते हैं। केवटी को कलंकित करने वाले इस विधायक को जनता माफ नहीं करेगी। तो अपने ही पिता धीरेंद्र कुमार धीरज की हम बात कर रहे हैं, उनके पिता भी विधायक हैं बीजेपी से और जिन्होंने मामला दर्ज कराया है वो भी बीजेपी के ही विधायक हैं। और अब जो है दोनों तरफ से बात फंस गई है, एक तरफ बीजेपी विधायक के बेटे हैं तो दूसरी तरफ खुद बीजेपी के विधायक हैं। अब देखिए दोनों तरफ से बातें चल रही है। अब इसमें धीरेंद्र कुमार धीरज का जो बयान आया है वो भी तान रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा और डरते नहीं हैं, मिश्रीलाल यादव का बेटा हूं, किसी से डरने वाला नहीं हूं, विधायक जी जहां से आप विधायक हैं वहां से मैं दो बार मुखिया रह चुका हूं, आपकी कृपा से मैं राजनीति नहीं कर रहा, ये दूसरे विधायक के बेटे का कहना है, मिश्रीलाल यादव के बेटे धीरेंद्र कुमार धीरज का कहना है। देखिए, इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और जो डीएसपी हैं अमित कुमार, उन्होंने बताया है कि विधानसभा केवटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा के द्वारा दिए गए आवेदन में पड़ताल की जा रही है और प्राथमिकी दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई हो रही है और इस मामले में क्या कुछ निकलता है वो भी बताया जाएगा। देखिए, तो मिश्रीलाल यादव के बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंच गए हैं जो विधायक हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र के मुरारी मोहन झा, उन्होंने मामला दर्ज कराया है और अब ये बात जो है फंसती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि बीजेपी के दो विधायक आपस में ही कैसे उलझ जाते हैं और किस तरह से ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ा है और ये विवाद अब कहां तक जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, एक तरफ बिहार में चुनाव को लेकर सियासत चल रही है, विपक्ष की भूमिका में बीजेपी बैठी हुई है और बीजेपी के नेता अपने आप में उलझ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर के दरभंगा में अब जो है मामला तकरार की ओर बढ़ गया है, मामला थाने में पहुंच गया है। अब इस मामले का अंत कहां तक होता है ये भी देखेंगे। बने रहे लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।